टी20 सीरीज के चौथे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 8 रनों से शिकस्त दे दी है। 186 रनों का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम आखिरी ओवर तक लड़ती रही। मैच में कई बार ऐसे पल आए जब लगा कि इंग्लैंड की टीम आसानी से जीत हासिल कर लेगी। चौदहवें ओवर तक टीम आसानी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। बेन स्टॉक्स और जॉनी बेयरस्टो ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी की। बेयरस्टो 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल चाहर का शिकार बने। हालांकि इसके कुछ देर के बाद बेन स्टॉक्स भी आउट हो गए। स्टॉक्स का आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट रहा और यहीं से रोहित शर्मा की कप्तानी का कमाल भी दिखना शुरू हुआ। दरअसल विराट कोहली इंग्लैंड की पारी के 16वें ओवर के खत्म होने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे। उन्होंने मैच के बाद बताया कि उनके पैर में हल्का खिंचाव आ गया था और वो नहीं चाहते थे कि चोट में वो तब्दील हो जाए। कोहली ने कहा कि ऐसे में मैदान से बाहर जाना बेहतर निर्णय था। कोहली के जाने के बाद रोहित ने कमान संभाली। उन्होंने 16वां ओवर शार्दुल ठाकुर को दिया। गेंदबाजी से पहले रोहित ने शार्दुल ठाकुर से कुछ कहा और ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने बेन स्टॉक्स को आउट कर दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने इयान मॉर्गन को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवा दिया। शार्दुल ने इस ओवर में 2 अहम विकेट लिए। वहीं सोशल मीडिया पर फैंस रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करने लगे तो विराट कोहली पर निशाना साधने लगे। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।